दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के बीच क्या अंतर होता है नहीं जानते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में सिर्फ किराए भर का अंतर होता है। तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अलग अलग कैटेगरी में किराए के साथ साथ कुछ बुनियादी सुविधाएं भी दी जाती हैं। आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि रेलवे के अलग अलग कोच में सिर्फ किराए भर का अंतर होता है। दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि रेलवे में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के बीच क्या अंतर होता है। फर्स्ट एसी, दोस्तों फर्स्ट एसी रेलवे का सबसे महंगा क्लास होता है और इसका किराया भारत में चलने वाली एयरलाइंस के आम किराए से कम नहीं होता है। ये पूरा कोच एयर कंडीशन्ड होता है और ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों के चुनिंदा रूट्स के लिए ही उपलब्ध होता है। बता दें कि ICF कोच में 18 यात्रियों के लिए ही सीटें होती है, जबकि LHB कोच में 24 यात्री तक बिठाए जा सकते हैं, और इस कैटेगरी के कोच में कारपेट बिछा होता है, और इस कोच में सोने के साथ साथ आपकी निजी लग्जरी की सुविधाएं भी होती हैं। इसके अलावा इन कोचेस में मिलने वाला खाना भी काफ़ी बेहतर होता है। सेकंड एसी, दोस्तों रेलवे का सेकंड एसी कोच भी स्लीपिंग बर्थ के साथ फुली एयर कंडीशन्ड होता है। इसमें एप्पल लेगरूम होता है, पर्दे होते हैं और इंडिविजुअल रीडिंग लैंप भी लगा होता है। बता दें कि इस कोच में सीटें 6 सेक्शन में 2 लेवल में बटी होती हैं और 4 सीटें कोच की चौड़ाई में फैली हुई और 2 सीटें साइड में होती हैं, और प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हर सीट में एक पर्दा लगा होता है। बता दें कि एक ICF कोच में 46 यात्री सफर कर सकते हैं, वहीं LHB कोच में 52 यात्री सफर कर सकते हैं। थर्ड एसी, दोस्तों ये कोच भी स्लीपिंग बर्थ के साथ फुली एयर कंडीशन्ड होता है। हालांकि इसकी सीटें भी सेकंड एसी की तरह ही व्यवस्थित होती हैं, लेकिन इसमें चौड़ाई के रिलेटिव 3 टीयर होते हैं और इसमें पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई लैंप नहीं लगा होता है। बता दें कि थर्ड एसी कोच को पहले से और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें उपलब्ध कराई जाने वाली बेडिंग का खर्चा आपके किराए में शामिल होता है। स्लीपर क्लास के मुकाबले इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। दोस्तों एक स्लीपर कोच में 72 यात्री सफ़र कर सकते हैं, वहीं थर्ड एसी कोच में सिर्फ 64 यात्री सफ़र कर सकते हैं, और ये स्लीपर क्लास के बाद रेलवे का सबसे अफोर्डेबल क्लास है। दोस्तों उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि रेलवे के फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के बीच क्या अंतर होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।